होंडा जैसी कंपनी ने भी अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे निकाल दिया, होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक। इसके साथ ही होंडा की QC1, दो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ गए मार्केट में। और क्या लगता है, क्या ये दो इलेक्ट्रिक स्कूटर क्या पूरे मार्केट को बदल सकते हैं? और क्या लोग ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी या TVS या बजाज चेतक को छोड़ के क्या होंडा के पीछे जाएंगे? क्योंकि लोगों की नजर में आज भी सबसे पॉपुलर टू व्हीलर जो है वो होंडा की एक्टिवा हो जाती है। लेकिन क्या होंडा एक्टिवा सच में वाकई में इतनी पॉपुलर है? वेल, डेटा की बात करें तो इंडिया की नंबर वन टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प, और हीरो मोटोकॉर्प का जो प्रोडक्ट यहाँ पे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकता है वो है हीरो स्प्लेंडर। स्प्लेंडर एक ऐसी गाड़ी है जिसे आप कहीं भी चला सकते हैं। गांव में तो जहाँ रोड होती भी नहीं है वहां पर भी लोग स्प्लेंडर को चला लेते हैं। माइलेज अच्छा देती है जिस वजह से मार्केट में बहुत पॉपुलर है। लेकिन होंडा एक्टिवा की बात की जाए तो मोस्टली बनाई गई थी अर्बन सिटीज के लिए, और अर्बन सिटीज को इस ध्यान में रखकर बनाई गई थी कि लोगों को चलाने में आसानी हो। कोई गियर्स नहीं है, सिर्फ चाबी लगाओ, सेल्फ स्टार्ट करो, एक्सलेटर दो, चलेगी गाड़ी। आगे की तरफ स्पेस होता है जगह रखने के लिए, डिक्की, यहाँ पे आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है, आसानी से चला सकते हो, कोई भी चला सकता है। और अर्बन सिटी के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। एक जमाने में जहाँ पे हम स्कूटी कहते थे कि स्कूटी लेनी है, वही चीज हो गई आज के जमाने में एक्टिवा की। यार एक्टिवा एक ऐसी चीज है कि सेफ पेट है, आप जाओ पैसा दो लो चलाओ डेट से। लेकिन जब से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की मार्केट में एंट्री होती है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ 2022 से, तब से एक इंपॉर्टेंट चीज देखी कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल हर साल लगातार बढ़ती जा रही है। हर एक कंपनी अपनी सेल्स पहले से ज्यादा कर रही है, और इस वजह से जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है वो पड़ा है पेट्रोल टू व्हीलर्स को। यार ये बात बिल्कुल फैक्ट है। हाँ, लेकिन ये बात नहीं, मैं बता सकता हूँ कि पेट्रोल टू व्हीलर की सेल्स आज भी बहुत ज़्यादा होती है, और ज़्यादातर वॉल्यूम जो रहता है मार्केट में वो पेट्रोल गाड़ियों का ही रहता है। लेकिन 2024 तक आते आते अब एक ऐसा ज़माना आ गया कि पेट्रोल स्कूटर की सेल्स धीरे धीरे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स यहाँ पे खाने लगे। अब इसी से लड़ने के लिए हर एक पेट्रोल गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने अपनी एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर निकालना शुरू कर दिया। जैसे कि बात करें 2022 में TVS की iQube आती है। TVS की iQube पूरी तरीके से TVS Jupiter का इलेक्ट्रिक वर्जन निकलती है, लेकिन TVS की iQube मार्केट में काफी पॉपुलर है, और देखा जाए तो ट्रेडिशनल ऑटोमेकर की तरफ से एक अच्छा प्रोडक्ट वहां देखने को मिला था। हालांकि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आज भी जो TVS होता है वो पेट्रोल गाड़ी से ज्यादा सेल्स करता है, लेकिन TVS iQube उनके लिए अच्छा प्रोडक्ट अभी भी साइड में बनके बैठा हुआ है। सुनने में आया कि कुछ ही महीनों में TVS iQube की नेक्स्ट जनरेशन आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे ही बजाज ने भी अपनी चेतक 2019 में शोकेस कर दी थी, लेकिन 2022 के बाद से उसके सेंटर्स उन्होंने ओपन करना शुरू करे जहां पे लोग अपनी गाड़ी बेच सकते हैं। प्लस इन्होंने अपनी प्राइसिंग को भी कंट्रोल किया, क्योंकि मेरे को याद है एक जमाने में बजाज चेतक की कीमत ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए तक टच कर रही थी। आज के समय में देखा जाए तो बजाज चेतक ऑलमोस्ट 1 लाख 1 लाख 10 हजार से एक शोरूम प्राइस पे आपको देखने को मिलती है। और इवन हीरो मोटोकॉर्प की बात करें जो खुद अपनी स्प्लेंडर बनाता है, उसने भी अपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाया जिसे कहा जाता है हीरो विडा, जिसके अंदर रिमूवेबल बैटरी पैक है, जिसके अंदर बैटरी पैक को आप निकाल सकते हैं। अपार्टमेंट में रहते हो तो अपने घर में जाके उसे चार्ज कर सकते हैं, यहां तक कि उसके अंदर आपको चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, वो भी काफी सॉलिड प्रोडक्ट है। यानी कि देखा तो जितनी भी आपको कंपनीज जो पेट्रोल टू व्हीलर बना रही थी सबने अपने अपने टू व्हीलर यहां पे निकालना शुरू कर दी। लेकिन इस रेस में जो कंपनीज यहां पे पीछे रह रही है वो है आपकी जापानीज कंपनीज होंडा और सुजुकी। होंडा ने अपनी एक्टिवा का इलेक्ट्रिक वर्जन ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च कर दिया है, लेकिन इसकी प्राइसिंग नहीं बताई है। जनवरी में जाके इसकी प्राइसिंग बताएंगे और उसके बाद इसकी सेल्स स्टार्ट होंगे। सुजुकी के बारे में बात करें तो ये कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को निकाल लेगी अगले साल 2025 के अंदर। लेकिन क्या ये कंपनीज क्या वाकई में जो पेट्रोल के अंदर जो उन्होंने मास्टरी कर रखी थी क्या उसे रेप्लिकेट या रिक्रिएट कर सकती है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के अंदर, ये जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होंडा की। होंडा की एक्टिवा ई या एक्टिवा इलेक्ट्रिक कहें या फिर कहें होंडा QC1, दो प्रोडक्ट हैं। एक्टिवा ई जो है वो पूरे इंडिया में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ सिलेक्टेड मेट्रो सिटीज में ही इनिशियली देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्या रीजन है, थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन जो पैन इंडिया जो प्रोडक्ट अपना अवेलेबल करवाएंगे वो होगा उनका बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर जो की है QC1। उम्मीद कर रहे थे कुछ एडिशनल, कुछ बड़ा अच्छी चीज देखने को मिलेगी, लेकिन QC1 देखा जाए तो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से तक खास प्रोडक्ट नहीं है। सबसे पहले तो इसकी जो बॉडी वो आपको फाइबर प्लास्टिक की देखने को मिलती है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको जो हब मोटर होते हैं जो आमतौर पे 1 लाख रुपए के कम कीमत वाले स्कूटर्स में आपको देखने को मिलती है वो है। इवन इसके अंदर बैटरी पैक भी है 1.5 किलोवाट आवर का। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो उसे होंडा की एक्टिवा से कंपेयर ना करते हुए TVS की
स्कूटी से कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ इसका वैसा ही इसका हल्का डिजाइन है। लेकिन एक बात बताऊं, यहाँ पे इन्होंने अपना फिक्स बैटरी पैक रखा है 1.5 किलोवाट आवर का। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मार्केट में कोई दूसरी कंपनी 1.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ अपना स्कूटर नहीं निकालती, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर कंपनीज के जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अगर मैं देखूं तो वो 2 किलोवाट आवर के आते हैं। बजाज चेतक का भी सबसे सस्ता मॉडल भी ऑलमोस्ट 2 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आता है। इवन जो ओला इलेक्ट्रिक है उसकी भी जो सबसे सस्ता S1X स्कूटर है उसके अंदर भी 2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। देखा जाए तो अगर कॉम्पिटिशन से कम अगर बैटरी मिल रही है तो यार रेंज के साथ इशू हो सकता है। और रेंज इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी 80 किलोमीटर की रेंज, ये सर्टिफाइड रेंज है। और अगर रियलिस्टिक रेंज निकालनी है तो मैं आपको फॉर्मूला देता हूं कि जो सर्टिफाइड रेंज जो भी देती है कंपनी उसके अंदर से आप 25% रेंज कम कर लो, फिर आपको उस स्कूटर की ऑलमोस्ट जो रियलिस्टिक जो रेंज होती है ना वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यार ये सिंपल सी मैथ चलती है जिससे आपको एक आइडिया लगेगा। हालांकि देखा तो रेंज इसकी काफी ज्यादा कम है, इसकी प्राइसिंग अभी बताई नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट 1 लाख रुपए के अंडर आना पॉसिबल, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई ज्यादा हैवी मशीनरी देखने को नहीं मिल रही है। हो सकता है जो रेगुलर एक्टिवा आती है उसकी कीमत के आसपास ये प्रोडक्ट हो। इसके बाद बात करते हैं एक्टिवा ई की। सबसे पहले तो ये सिर्फ मेट्रो सिटीज में इसीलिए अवेलेबल है क्योंकि यहाँ पे आपको बैटरी स्वैपिंग की टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है, यानी कि गाड़ी के अंदर बूट स्पेस बिल्कुल नहीं है। 2 बैटरी पैक लगेंगे, 1 बैटरी पैक आप इनके स्वैपिंग स्टेशन पे जाके रिप्लेस कर देंगे, यानी कि अगर आपकी बैटरी खत्म हो रही है तो आपको एक स्वैपिंग स्टेशन पे जाना है, पुरानी बैटरी लगानी है, नई बैटरी को निकालना है, गाड़ी में लगाना है, आपकी गाड़ी चलती रहेगी। ये सिंपल सा मेथड लेकर आ रही है। और इसके लिए ऑलरेडी 3 व्हीलर्स के साथ होंडा अपने स्वैपिंग स्टेशन को इंडिया में टेस्ट कर रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इस गाड़ी को आप घर पे चार्ज नहीं कर सकते। एज ऑफ नाउ जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। इसके साथ ही ये भी नहीं पता कि जो बैटरी रिप्लेसमेंट रहेगी इसकी कॉस्ट क्या रहेगी, ये कुछ सर्विस में इस मॉडल पे निकालेंगे। और ऊपर से देखा जाए तो जो बैटरी स्वैपिंग की जो टेक्नोलॉजी रहती है ना ये इंडिया में इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। एक सिंपल सा रीजन बता दूं, किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर अगर हम बैटरी कंटिन्यूअसली यूज में आती रहती है, चार्ज डिस्चार्ज लगातार चलता रहता तो उसमें होता है डिग्रेडेशन। आमतौर पे मान लीजिए 1 साल तक इनकी बैटरी 100% हेल्थ के साथ रहती है, लेकिन उसके बाद अगर आप बैटरी स्वैप करते अपनी 100% हेल्थ वाली बैटरी आपने लगा दी और जो बैटरी आप निकाल रहे हैं वॉट एप उसके अंदर 95% की बैटरी हेल्थ हो, 90% की बैटरी हेल्थ हो, क्योंकि 70% 75% के ऊपर एक अच्छी बैटरी हेल्थ मानी जाती है, कंपनी उसे डिस्कार्ड नहीं करती। इस कारण से आपको जो प्रिडिक्टेबल रेंज रहती है वो कम देखने को मिलेगी। और इंडिया के अंदर बैटरी स्वैपिंग की टेक्नोलॉजी कई कंपनीज ऑलरेडी पहले ट्राई कर चुकी है और बुरी तरह फेल रही है। बाउंस जैसी कंपनी ने बाउंस इन्फिनिटी स्कूटर निकाला था बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के साथ, वो नहीं चला। इंडिया के अंदर सबसे पहले जिस कंपनी ने बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के अंदर वो थी रिवोल्ट, लेकिन रिवोल्ट को भी अपने जो चार्जिंग हब्स होते हैं जो बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क होता है उसे बंद करना पड़ा। इसके बाद यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प से उम्मीद थी कि ये लोग अपना बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क निकालेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने सिंपल सी चीज रखी कि आप चार्ज कर लो। इवन एथर के नेटवर्क के साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया कि एथर का कोई भी अगर चार्जिंग ग्रेड आपको देखने को मिलता है वहां पे जाके आप इसे चार्ज कर सकते हो, लेकिन बैटरी स्वैपिंग की फैसिलिटी उन्होंने भी नहीं दी। सिंपल सी बात है कि इंडिया में बैटरी स्वैपिंग वाली चीज को एग्जीक्यूट कर पाना बहुत डिफिकल्ट चीज है। ये होंडा कैसे करेगी पता नहीं। इसके साथ अगली चीज यहाँ पर मैंने नोटिस करी कि बैटरी अगर जब भी आप बूट स्पेस के अंदर रखते हो तो गाड़ी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाता है, जिस कारण से गाड़ी उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाती। ऊपर से गाड़ी के अंदर बूट स्पेस जा रहा है तो वो एक अलग इशू है। और एक और चीज मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करी होंडा के साथ कि एक्टिवा इलेक्ट्रिक का उन्होंने नाम तो यहाँ पे कंसिस्टेंट रखा है, लेकिन जो रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्टिफाइड रेंज अराउंड 102 किलोमीटर की। तो रियलिस्टिक रेंज जो गाड़ी के अंदर मिलने वाली है वो अराउंड 75 किलोमीटर की है। हालांकि एक अच्छी चीज होंडा ने करी वो है साइड माउंटेड मोटर को यूज करना, जो हब मोटर से बेटर होती है और बेटर एफिशिएंसी निकाल कर देती है। और कनेक्टेड फीचर्स वगैरह उन्होंने डाले क्योंकि मार्केट में इस टाइप की रिक्वायरमेंट है। लेकिन देखा जाए तो जो प्रोडक्ट इन्होंने निकाला है ना वो थोड़ा सा लेट निकाला हुआ लगता है। अगर ये सिमिलर प्रोडक्ट 2022 या 23 में निकालते तो शायद कुछ चीजें हो सकती थी, लेकिन 2025 तक आएगा तब इसे मैं काफी ज्यादा डिले कह सकता हूं क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी कंपटीशन यहां पे बढ़ रहा है। इसके बाद अगली चीज के बारे में बात करते हैं, क्या होंडा ने जो सक्सेस यहां पे रिक्रिएट करी थी अपने एक्टिवा के साथ क्या वो एक्टिवा ई के साथ दोबारा से रिक्रिएट कर सकता है? इसके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है।
सबसे पहले तो इनके लिए बेचना काफी ज्यादा आसान है क्योंकि ऑलरेडी होंडा के पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और इसीलिए यहाँ पे इन्होंने फैसला किया कि अगर मार्केट में कोई भी इंसान अगर टू व्हीलर देखने निकले तो उनके पास तो आएगा शोरूम में एक्टिवा देखने। लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक के पीछे जाते हैं, होंडा की एक्टिवा देखेंगे लेकिन फिर सोचेंगे चलो इलेक्ट्रिक ले लेते, तो ऐसे कुछ कस्टमर्स को रोकने के लिए उन्होंने अपना इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट निकालना है। उनका देख के कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि मेन फोकस इलेक्ट्रिक गाड़ी पर करना है, आज भी उनका जो मेन फोकस है वो एक्टिवा बेचने पर ही रहेगा और आगे चलकर भी वो एक्टिवा को ज्यादा से ज्यादा ही पुश करेंगे। इवन पिछले कुछ सालों में एक्टिवा की कीमत ज्यादा ना निकले इसीलिए पिछले 10 सालों में एक्टिवा के अंदर कॉस्ट कटिंग भी की गई है। आज की जो होंडा एक्टिवा देखने को मिलती है 2024 की 2014 के मॉडल से कंपेयर करोगे तो आज वाली काफी ज्यादा इंफीरियर क्वालिटी की देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे होंडा ये कोशिश कर रहा है कि जो लोग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने निकले तो वो हमारा ले ले, नहीं तो हम उन्हें अपनी पेट्रोल वाली बेच ही देंगे। ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो ये लोग खेल लेंगे, लेकिन इसके बाद बारी आती है सर्विस की। लोगों का अक्सर ये कहना रहता है कि होंडा की यार सर्विस अच्छी है, ये लोग पूरे इंडिया में अपना सर्विस नेटवर्क देते हैं, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि एक पेट्रोल गाड़ी को सर्विस देना और एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को सर्विस देना दो अलग ही चीजें। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सर्विस अलग रहती है, वहां पर टेक्नोलॉजी अलग रहती है और लोगों को ट्रेन करना पड़ता है, उसके पार्ट्स भी अलग रहते हैं, जिस कारण से चीजें बिल्कुल ही अलग रहती है। यह एक बहुत बड़ी चीज है जिसे लोग कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि आप ऐसा समझिए कि आप पेट्रोल गाड़ी को तो किसी भी रोड साइड मैकेनिक के पास ले जाके ठीक कर सकते हो, लेकिन एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को एक रोड साइड मैकेनिक के पास ले आके ठीक कर सकते हो? नहीं, भले ही वो होंडा बनाए लेकिन उसको आपको उसके सर्विस सेंटर पे ले जाना पड़ेगा, वहां पर उसका टेक्निकल नो हाउ होना जरूरी, यानी कि सभी टेक्नीशियन सब कुछ को दोबारा से ट्रेन करना पड़ेगा, और सर्विस एक ऐसी चीज है जिससे पूरी इंडस्ट्री यहां पे सफर कर रही है। अक्सर आप लोगों ने ओला इलेक्ट्रिक के सर्विस रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात सुनी होगी, जो बात बिल्कुल फैक्ट है, मैं वो इनकार नहीं करता, लेकिन यहाँ पे सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम आपको टीवीएस के अंदर भी देखने को मिली, लोगों को इवन बजाज चेतक के अंदर भी देखने को मिली, और अगर इतने पुराने ब्रांड्स को भी दिक्कत आ रही है तो वो भी समझने वाली बात है। और एक बात मैंने यहाँ पे नोटिस करी कि यहाँ पर एक छोटी सी चीज ये है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री में जो लेगेसी ब्रांड होते वो तब ज्यादा एक्टिव हुए जब स्टार्टअप वाली जो कंपनीज ज्यादा आगे निकलने लगी, खासतौर पर ओला या एथर, इन दो के अच्छे एग्जाम्पल ले सकता हूँ। इन दोनों के आने के बाद यहाँ पे टीवीएस और बजाज को लगे उन्हें भी अपने प्रोडक्ट के पर काम करना चाहिए और इनको निकालना यहाँ पे चाहिए, तो वहां पे काम हुआ। इसके साथ ही हीरो मोटोकॉर्प ने भी अपना विना निकाला और होंडा ने भी अपनी एक्टिवा ई को निकाला है। अगले साल सुजुकी एक्सेस का भी इलेक्ट्रिक वर्जन यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात बता देना चाहूंगा कि जिस तेजी से स्पीड से जो स्टार्टअप कंपनीज काम कर रही है, अब आप ये नोटिस कीजिए कि एथर जैसी कंपनी सालों की आरएनडी करने के बाद एथर 450 का नया मॉडल लाती है और उसके बाद मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नया रिस्टा लेकर आती है। इसके अलावा इनकी एक और अफोर्डेबल स्कूटर भी आने वाला है, यहां तक कि ये भी ऑफिशियली कंफर्म है कि एथर अपनी इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर भी काम कर रहा है। ये देख के लगता है कि वो पूरी तरीके से फोकस्ड है और उनका फोकस है कि मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स ही निकालने। ये चीज उनकी बिल्कुल ही बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है और बहुत अच्छे तरीके से सर्च करके, आरएनडी करके, टेस्टिंग करके अपने व्हीकल्स को उतारते हैं। हालांकि ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बात करें, ये कंपनी काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहती है, लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी कि आज भी ओला इलेक्ट्रिक के कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो उस प्राइस रेंज में, उससे ज्यादा रेंज कोई दूसरी कंपनी नहीं दे सकती। ओला इलेक्ट्रिक आज के समय में उसके प्रोडक्ट में रेंज सबसे ज्यादा मार्केट में, सबसे ज्यादा टॉप स्पीड पे उनका प्रोडक्ट चलता है और सबसे ज्यादा फीचर्स भी वो देते हैं। हालांकि सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम है। और एक बात देखिए कि मान लीजिए अगले साल 2025 में मार्च अप्रैल तक अगर होंडा की एक्टिवा आती है और उसके बाद अगर देखा तो कंपैरेटिवली ओला की सर्विस अगर कंपैरेटिवली बेटर हो जाए तो आप लोग क्या लेंगे? ओला का प्रोडक्ट लेंगे या आप लेंगे एक होंडा का प्रोडक्ट, या फिर हो सकता है एथर अपनी प्रोडक्ट को काफी अच्छा कर ले? क्योंकि होंडा के साथ एक दिक्कत लगती है, वो ये है कि ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने जापानीज मार्केट से अपना प्रोडक्ट लिया और उठा के इंडिया के अंदर ले आए। कहीं देख के ऐसा नहीं लगता कि होंडा ने इंडिया को ध्यान में रख के इस प्रोडक्ट को यहाँ पे सोचा, कंसीव किया, डिजाइन किया यहाँ की यूजर रिक्वायरमेंट को देख के। क्योंकि यहाँ पर देख के डिजाइन करते ना तो सबसे पहले बूट स्पेस देते ही लोग, बैटरी फिक्स बैटरी देते लेकिन अच्छा बैटरी बैकअप देते, ज्यादा रेंज देते, कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करते, फास्ट चार्जिंग देते, ये कुछ फंडामेंटल चीजें लोग मिस कर गए।
ऊपर से एक्टिवा ई जो उन्होंने निकाली, इसको पैन इंडिया अवेलेबल कैसे करवाएंगे, ये भी एक देखने वाली बात रहेगी। और इसके साथ ही बात करें तो मैं समझ गया हूँ कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के अंदर काम हो रहा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। देखो जैपनीज कंपनियां या कोई और कंपनियां, यहाँ पे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स मैं लेकिन उन्होंने अपने मार्केट के हिसाब से बनाए, लेकिन इंडिया में जो कंपनीज है जैसे ओला बात करें, एथर बात करें, ये लोग अपनी खुद की R&D लगा के काम कर रहे हैं। इवन अगर मैं बात करूँ तो पुरानी कंपनीज में जो कंपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से काम कर रही है, उसका एग्जाम्पल देना चाहूंगा, वो है रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड अपनी बुलेट के कारण जानी जाती है, उसकी अलग ही लेगेसी चल रही है, लेकिन 100 साल वाली लेगेसी आगे चल के खत्म ना हो जाए इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रिक के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। रिसेंटली फ्लाइंग फ्ली नाम का एक सब ब्रांड लॉन्च कर दिया उन्होंने, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल निकालेंगे। हाल ही में उनके चीफ ग्रोथ ऑफिसर मारियो अल्विसी से मिला था, उनका यह कहना था यहाँ पे कि यहाँ पे जो कंपनी है ना, ये बिल्कुल बहुत फोकस काम कर रही है, पुरानी लेगेसी को भी कंटिन्यू करेंगे, प्लस हम फ्यूचरिस्टिक चीजें देंगे और गाड़ियों में हम ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे जो इससे पहले देखी नहीं है। ऊपर से ये भी मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि फ्लाइंग फ्ली का जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्शन रेडी है, लेकिन अभी के समय में उसे वो लॉन्च नहीं कर रहे, कम से कम एक साल और टेस्ट करके 2026 में अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाएंगे। ऑलरेडी प्रोडक्ट तैयार है, रेंज वगैरह सब टेस्टिंग चल रही है, चेन्नई में 200 से ज्यादा इंजीनियर्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं और इंडियन रोड्स पे इसकी ऑलरेडी टेस्टिंग है, यहाँ तक कि यूरोप में ले जाके भी इसको टेस्ट किया जा रहा है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि एक मोटरसाइकिल आएगी, मल्टीपल मोटरसाइकिल्स के ऊपर काम कर रहे हैं और एक प्रीमियम में एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रही है जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का। कहने का मतलब ये कि अब ऐसा टाइम आ गया कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड होता है ना, वो इंडियन कंपनीज डिसाइड कर रही है। रॉयल एनफील्ड भी एक इंडियन कंपनी है, एथर भी एक इंडियन कंपनी है, ओला है एक इंडियन कंपनी, हीरो मोटो कॉर्प इंडियन कंपनी है, TVS हो गई, बजाज हो गई, ये कंपनीज अब बेंचमार्क सेट कर रही है कि ये स्टैंडर्ड होगा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का और ग्लोबल कंपनीज को ये स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, चाहे सेफ्टी को लेकर हो, चाहे रेंज को लेकर हो, चाहे फीचर्स को लेकर हो, क्योंकि इतने फीचर आज के समय में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में आते हैं आपको कहीं देखने को नहीं मिलते, और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर भी काम हो रहा है और यहाँ पर भी। इसके साथ ही होंडा ने यहाँ पे प्रॉमिस किया कि वो 30 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को निकालेंगे 2030 तक, जो कि देखने सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन वही बात करें कॉम्पिटिशन में भी काफी तेजी से माहौल गर्म हो रहा है, क्योंकि क्लेम किया गया कि 2026 के एंड तक ओला यहाँ पे तकरीबन 20 अपने प्रोडक्ट्स को निकाल चुका होगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर होगा, मल्टीपल बाइक्स होंगी, स्कूटर्स होंगे, काफी सारी चीजें होंगी, और उनका पूरा प्लान ये है कि अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, ये सारी प्रॉब्लम हम धीरे धीरे खत्म कर दें, सर्विस भी अच्छी कर दें, जिस कारण से लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं आए और अपने दूसरे प्रोडक्ट्स भी लेकर आते रहे, क्योंकि देखा है तो उन्होंने काफी ज्यादा वॉल्यूम में अपने प्रोडक्ट्स को बेच, देखा जाए तो ओला वो प्रॉब्लम ऑलरेडी फेस कर चुका है जो पुरानी कंपनीज है अब फेस करने वाली है। इसके साथ ही एथर जैसी कंपनी भी यहाँ पे लगी हुई है, रिस्टा जैसा सक्सेसफुल प्रोडक्ट उन्होंने बनाया। इवन एथर के साथ मैंने एक अच्छी बात ये देखी है कि यहाँ पे ये लोग अपने प्रोडक्ट को शिप कर रहे हैं श्रीलंका के अंदर, नेपाल के अंदर, ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पे ये लोग शिप करना शुरू कर चुके हैं, और तो और ये सिर्फ एक शुरुआत है, ये लोगों के प्लान्स भी काफी ज्यादा बड़े कि इंडिया के अंदर स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट करके एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बनाना है जो मार्केट में चले। लेकिन हाँ, देखने वाली बात होगी कि होंडा क्या अपने ये जो प्रोडक्ट उन्होंने निकाला क्या प्राइसिंग के साथ अगर कुछ खेल ले तो मार्केट में चल सकती है, स्वैपिंग नेटवर्क जैसा कुछ ले आए या कुछ ऐसा इनोवेशन ले आए जिससे मार्केट में खेल बदल जाए, यार ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा फीका रिस्पॉन्स रहा है, जो सोचा था एक्टिवा से वो चीज यहाँ पे उन्होंने अभी डिलीवर नहीं करी है। बाय द वे, आप लोगों को होंडा की एक्टिवा इलेक्ट्रिक कैसी लगी, या फिर आप किसी और ब्रांड को सपोर्ट करते हो, जो भी आपका ओपिनियन है जरूर से नीचे कमेंट बताना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बने रहने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।